जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज आपके लिए बहुत ही प्यारे सत्संग गुरु जी ने भेजे हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग है आप सबके लिए, विशेष ब्लेसिंग है ये, स्पेशल ब्लेसिंग है ये। संगत जी, इसे सुनने के बाद आपके जीवन में ज़बरदस्त खुशियाँ आने वाली हैं। सत्संग को पूरा सुनिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं, हम सब मिलकर करेंगे, आप भी कीजिएगा। और बोलिए मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से, वो तीन सत्संग मैं इसमें रिटर्न में जो भेजे हैं आंटी जी ने, वो मैं शेयर कर रही हूँ। एक कनाडा से अंकल जी का है और बाकी दो सत्संग हैं, एक देहरादून से है और एक बिल्कुल बहुत प्यारा सा सत्संग है जम्मू से, जय माता दी, जहाँ हमारी वैष्णो माता रहती है वहाँ से है। तो संगत जी, बाकी गुरु जी की इच्छा से जितने ऑडियो में सत्संग शेयर होने होंगे, गुरु जी जो चाहें वो सत्संग वो शेयर करवा देंगे। गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा है मैंने, क्योंकि सत्संग इतने सारे हैं, गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, बहुत हो रहा है, गुरु जी की कृपा निरंतर बरस रही है। तो संगत जी, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम आज के सत्संग। और सबसे पहले मैं जो सत्संग ले रही हूँ वो है देहरादून से ही। हाँ जी, बिल्कुल देहरादून, प्यारा देहरादून। संगत जी, और शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, मैं देहरादून से गुरु जी की बेटी। जय गुरु जी, जय संगत जी, मेरे से सत्संग शेयर करने में जो देरी हुई उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए गुरु जी, माफ़ कीजिए संगत जी। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग मेरे साथ 12 अगस्त चौथे सावन के सोमवार को सुबह मुझे गुरु जी ने सपने में दर्शन दिया, मरून चोले में। 2 दिन पहले मुझे मोबाइल में मैसेज मिला, गुरु जी ने कहा, पुत्र मैं तेरे को अगले सोमवार के सपने में दर्शन दूंगा। शुक्राना गुरु जी, फिर सोमवार की सुबह करीब 5 बजे गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। गुरु जी एक सड़क के उस पार खड़े थे और मैं सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी। मैंने जब देखा, मैंने कहा, ये तो गुरु जी हैं, तभी मेरा सपना टूट गया। शुक्राना गुरु जी, मुझे सपने में दर्शन देने का मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाने का। संगत जी, अगस्त में ही गुरु जी का टेलीपैथी से मैसेज आया, पुत्र मैं तेनु तितली रूप में दर्शन देने आवंगा। अगले दिन मैंने पीले रंग की तितली मेरे घर के आसपास से गुजर के गई देखा। शुक्राना गुरु जी दर्शन देने का। गुरु जी लख लख शुक्राना, सभी संगत परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना और सुमन आंटी जी को भी ब्लेस करना, उनके परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये थी देहरादून से आंटी जी, जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। और अब एक सत्संग मैं ले रही हूँ जो कनाडा से है, अंकल जी ने भेजा है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, बिल्कुल बीच में मत छोड़िएगा, अधूरी ब्लेसिंग मत लीजिएगा। संगत जी, पूरा सत्संग एंड तक सुनिएगा। गुरु जी आज ढेर 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 सारी ब्लेसिंग आप सबके साथ दे रहे हैं, आप सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, बरस रही है गुरु जी की ब्लेसिंग। तो कनाडा से लिखते हैं अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं कनाडा में स्टडी परमिट पे आया हूँ और ये सब गुरु जी की कृपा से ही है।
जैसे मैंने पहले सत्संग में कहा था, अब गुरु जी की मेहर से कर रहा हूँ। जैसे मैं कनाडा में आया था 4 मंथ पहले, मेरे को स्टडी का कुछ समझ नहीं आया था और ना ही कुछ पता लग रहा था, और ऊपर से मेरे मिड टर्म के एग्ज़ाम इतने बुरे हुए थे, मुझे लग रहा था मैं पास नहीं होऊंगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मेहर करो, मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए। इसके बाद मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, बेटा एग्ज़ाम की टेंशन मत लो, अच्छे मार्क आएंगे। मेरे एग्ज़ाम हुए और मैंने इतने मार्क्स सोचे भी नहीं थे जितने गुरुजी ने कृपा कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये सत्संग तो अंकल जी ने भेजा है कनाडा से, और गुरुजी ने देखो, उन्होंने सोचा भी नहीं था उतने मार्क्स उनको मिल गए। और ये भी एक छोटा सा सत्संग है जम्मू से, आंटी जी ने भेजा है गुरुजी के चरणों में। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं जम्मू से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। संगत जी, ट्यूसडे के दिन मैं मंदिर गई थी, जब मैं ज्योत जगा रही थी, अचानक से मेरी नज़र शिवलिंग पर वाइट कलर की बटरफ्लाई देखी। वो बटरफ्लाई कभी शिवलिंग पर बैठती, कभी शिव पार्वती के स्वरूप पर, कभी शिवलिंग के ऊपर, जहाँ से जल निकलता है उस पर, वहाँ पर वो बैठ रही थी। अचानक गुरुजी का मंदिर में, अचानक गुरुजी के मंदिर में मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देना मुझे गदगद कर गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी बेटी को अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा। इसके साथ ही मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये 3 सत्संग रिटर्न में थे संगत जी, और अब ऑडियो में जो संगत जी ने सत्संग भेजे हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। और वो संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग है, जिस भी संगत के पास वो पहुँचेगी, गुरुजी करेंगे निश्चित रूप से उसका कल्याण। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुनिएगा और आगे से आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने वाले का मैं कल्याण करता हूँ, तो आप सत्संग को शेयर भी करते रहिए और सुनते भी रहिए। सत्संग शेयर करने वाले का और सुनने वाले का गुरुजी करते हैं कल्याण। तो अपनी ब्लेसिंग को बीच में मत छोड़िएगा संगत जी, पूरा सुनिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मंत्र जाप लिख दीजिए, शुक्राना कीजिए, जय गुरुजी लिख दीजिए, पर अपनी हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा संगत जी, गुरुजी करेंगे कल्याण। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी सत्संग को पूरा सुन रहा है, गुरुजी उसका कल्याण करें, खूब खूब सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। संगत जी, अब सुनिए सत्संग। पहले दिल्ली का सत्संग और उसके बाद बिजनौर का सत्संग, सुनिए सत्संग। आंटी जी से अब लीजिए ब्लेसिंग गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ में एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम वंदना है और मैं दिल्ली से हूँ, और ये हमारे जीवन में रोज़ नए नए सत्संग तो गुरुजी करते ही रहते हैं। काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर, पर मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी किसी वजह से, क्योंकि काम का लोड ज़्यादा था तो मैं बीच में शुक्राना नहीं कर पाई थी। और आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना जा रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और जो भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं और जो भी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उन आंटी जी का भी भला और सुनने वालों का भी भला। गुरुजी सबका भला करें, हर सरबत का भला करें। जैसे कृपा ने मुझे ब्लेस किया, ऐसे ही हर संगत को ब्लेस करें। मैं अपने परिवार के साथ में, मेरे हस्बैंड और बच्चों के साथ में
10 जून 2024 को बड़े मंदिर गई थी, जब रूपा ने मुझे अपने आप कनेक्ट करके बुलाया था। तो उस वक्त जब मैं गई थी तो मेरे अंकल जी ने ना तो वहाँ पर जल प्रसाद लिया था और ना ही मेरे अंकल जी ने कोई भी प्रसाद ग्रहण किया था, और बच्चे भी गुस्सा थे और अंकल जी भी बहुत ही गुस्सा थे। और गुरुपा की मेहर की वजह से 2 महीने के अंदर अभी 15 अगस्त को मेरे अंकल जी खुद अपने आप मुझे बड़े मंदिर लेकर गए और उन्होंने वहाँ पर जल प्रसाद भी खाया और बहुत ही अच्छे से वहाँ पर मुझसे बात भी की और मुझे वहाँ और मुझे सॉरी भी कहा कि जब मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया तो उसके लिए भी सॉरी कहा उन्होंने। तो जैसे ही गुरुपा ने मुझे ये ब्लेसिंग करी, ऐसे ही गुरुपा सबको ब्लेस करें, हर परिवार को ब्लेस करें। और दूसरा सत्संग, संगत जी मैं दूसरा सत्संग एक और शेयर कर रही हूँ। इसी में मैंने गुरुपा से मांगा था कि मेरी नंद की शादी है, क्योंकि वो उनकी भी लव मैरिज थी और घर वाले कोई भी नहीं मान रहे थे उस वक्त। कहते हैं कि जब घर में टेंशन हो तो दिमाग भी काम नहीं करता, और उस समय फिर मैंने गुरुपा से अरदास करी थी कि गुरुपा उनकी शादी अच्छे से हो जाए और सब काम अच्छे से निपट जाए। तो शुक्राना गुरुपा, आपने सब कुछ अच्छे से करा दिया और उन बच्चों की शादी भी आपने अच्छे से करा दी और वो दोनों बहुत ही खुश हैं। धन्यवाद, शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सिर्फ आप ही मेरे परम पिता हो, क्योंकि मेरा तो इस जीवन में कोई है नहीं, ना भाई और ना बहन, तो आप ही मेरे सब कुछ हो, शुक्राना गुरुपा। और अभी मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त कर रही हूँ और आगे के सत्संग में आपके साथ में संगत जी बाद में शेयर करूँगी, जैसे भी गुरुपा शेयर कराएंगे। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। आज गुरुवार का दिन है संगत जी, गुरु जी का दिन है। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। संगत जी, ऐसा था कि अभी रक्षाबंधन से पहले का है ये सत्संग मेरा। तो एक दिन पालक का मेरा काफ़ी दिन से मन हो रहा था, या यही कह लो कि गुरुजी का मन था पालक खाने का। गुरुजी को पसंद भी बहुत था साग रोटी, तो उस दिन मुझे पालक दिखा तो मैं पालक का साग मैंने लेके आई, पालक बनाया गुरुजी के लिए, रोटी बनाई घी के हाथ की, और गुरुजी के भोग में मैंने हरी मिर्च भी रखी जैसे गुरुजी को पसंद था, भोग लगाया और गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए मुझे। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें एक छोटा ओम एक बड़ा ओम दो रूप में ये दर्शन मुझे ओम के हुए गुरुजी के, और एक रूप गुरुजी के फेस रूप में भी दर्शन हुए जो मैंने देखा नहीं था। बाद में मेरे बेटे ने ध्यान से देखी उस पिक को, तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी आज से ध्यान से नहीं देखा आपने, इसमें गुरुजी का फेस भी दिख रहा है। तो मैंने कहा अच्छा देखा हो, तो देखा मैंने, तो उस कह रहा मम्मी देखो ये गुरुजी की आँख ही मुँह, तो मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आपने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतना ब्लेस किया। उस दिन मैं बहुत खुश थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। बहुत शुक्राना है आपका जो इतने प्यारे दर्शन दिए आपने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना है आपका, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और दूसरा छोटा सा सत्संग राखी वाले दिन का था, कि ऐसा था संगत जी, राखी वाले दिन मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद का सुबह में भोग बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, उसमें भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, ओम ओम भी लग रहा था और 7 भी बनना था वो। तो
तो फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद बिस्किट जो भी हम लोग खाते हैं तो सबका ही मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ। और फिर मैंने गुरुजी को मीठे जवे का भोग भी लगाया था। तो संगत जी ऐसा था कि मीठे जवे जो थे वो मैं जब भोग लगा रही थी तो मेरे से कटोरी स्लिप हो गई थी, तो वो मैंने फिर हटाए, वहाँ से सारी साफ़ सफाई करी, फिर मैंने दोबारा से दूसरे जवे कटोरी में लिए, फिर गुरुजी को मैंने भोग लगाया। तो उस टाइम पे तो संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी अपने भाई के यहाँ राखी देने बांधने। तो उसके बाद में जब मैं शाम को वापस आई तो संगत जी वो ऊपर से ऊपर गिरे थे, तो नीचे को वो उनका वो टपका जो दूध वगैरह होता है, तो फिर आप यकीन नहीं करोगे गुरुजी के चरण स्वरूप बन गए उसमें, अभी भी हैं। 22 है अभी भी हैं गुरुजी के वो चरण स्वरूप। तो वो ऐसे बिल्कुल देसी घी की तरह, देसी घी के ही हैं वो, जम गए बिल्कुल। और मैं सोच रही थी कि मुझे इसमें एक चम्मच देसी घी और ऐड करना है, जब वो मैं डालूँगी, वो ध्यान से ही निकल गई तो मैं नहीं डाल पाई, ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन संगत जी जब खाए वो इतने टेस्टी बने, इतने उसमें देसी घी का स्वाद आ रहा था, इतना स्वाद आ रहा था कि मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती। और जो उससे भी ज़्यादा ये है गुरुजी का शुक्राना कि बस गुरुजी आपने जो मुझे चरण स्वरूप में अपनी ब्लेसिंग दी, शुक्राना मेरे मालिक आपका, क्योंकि संगत जी मेरे घर में भी गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं है, तो गुरुजी ने मुझे अपने चरण स्वरूप देख के ब्लेस किया, तो शुक्राना है अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जितना आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है, दिल से सच्ची मैं आपका शुक्राना करती हूँ मैं, आप स्वीकार कीजिएगा गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी से रिलेटेड है मेरा सत्संग भी। तो जब मैं अपने घर जा रही थी संगत जी, तो ऐसा था कि अपने भाई के यहाँ मैं राखी दे के और रास्ते में जा रही थी फुफेरे भाई के यहाँ, तो वहाँ भी मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और ब्लैक बटरफ्लाई थी वो मेरे सिर के ऊपर से गई, तो शुक्राना है अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने इतने अच्छे दर्शन दिए। और रास्ते में भी जब मैं जा रही थी तो शिव जी का मंदिर पड़ा, बहुत प्यारे दर्शन हुए, उसका भी शुक्राना गुरुजी, ओम रूप में दर्शन हुए, गुरुजी आपने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, शुक्राना है आपका, शुक्राना शुक्राना। और कई दिन से मेरे मन में ऐसा सवाल भी आ रहा था कि मन में ही आ रहा था कि मेरे घर में संगत जी पेड़ पौधे नहीं हैं, तो पहले बहुत लगा रखे थे लेकिन नीचे से चुचुंदर वगैरह बहुत आ जाते हैं, चूहे, तो सारे पेड़ उन्होंने मेरे खा लिए, तो इस वजह से मैंने अब सब हटा दिए। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ था जब मेरे सारे पेड़ पौधे उन्होंने खा लिए थे, वो गुरु जी के आने से पहले की बात है ये। तो मैं अब मेरे मन में गुरु जी ने ख्याल डाला है कि क्योंकि उन्हें दिखता है कि अब जब हैं गुरु जी तो अब जब गुरुजी हैं तो कि मतलब उनकी बेटी जब मैं सुबह को जब जल देती हूँ तो मेरे घर में पौधा है ही नहीं कोई जल देने के लिए, खाली गमला, उसमें मिट्टी है, तो मैं उसी में जल सुबह को चढ़ा देती हूँ। तो अब गुरुजी की मर्जी है, शायद गुरुजी का ही हुक्म, गुरुजी का ही आदेश हो रहा है कि तुलसा जी लगा, और एक सदाबहार का पेड़ है जो हमेशा ही चल जाता है, क्योंकि संगत जी मेरे यहाँ धूप भी नहीं आती है तो धूप की भी प्रॉब्लम है, तो वो तो चल ही जाता है सदाबहार का पेड़। तो देखो संगत जी मुझे तुलसा जी, मैं बुआ के यहाँ पूछने चाह रही थी कि मैं बरसात में उनके यहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, तो मैंने कहा उनके यहाँ हो रही होगी कोई पौध तो मैं ले लूँगी, तो उनसे तो मेरे पूछने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। और जब मैं घर जा रही थी अपने धामपुर तो मैं पैदल ही पैदल चल रही थी, तो रास्ते में काफ़ी हरियाली सी हो रही थी, तो पता नहीं क्यों मेरा ध्यान हरी हरी चीज़ों पे ही जा रहा था, मैं देखती जा रही थी, तो संगत जी मुझे क्या नज़र आता है कि तुलसा जी की पौध है शायद ये, तो मैंने नीचे बैठ के देखा, मैंने कहा हाँ ये तो तुलसा जी की पौध है। तो देखो संगत जी मुझे तुलसा जी की पौध गुरु जी ने वहाँ से दिलवाई, फिर मैं वो लेके अपने फुफेरे भाई के घर गई, और फिर वहाँ मैंने भाभी से कहा भाभी इसमें थोड़ी सी मुझे मिट्टी दे दो, जड़ दिख रही है तो मैं घर तक लेके जाने में सूखेंगी नहीं। फिर मैं संगत जी घर आई और घर आके उसे अपने गमले में लगाया, अभी भी लगी हुई है, चल गई वो, तो शुक्राना है मेरे मालिक आपका। और चूहों से बचने के लिए मैं रात में ऐसा कर देती हूँ, कोई डब्बा है ले रखा है उसमें छेद कर रखे हैं ताकि हवा भी जाती रहे, उसके ऊपर से छोटा सा पत्थर रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो छोटी पौध है, बाद में देखूंगी कि क्या करना है चूहों से बचाव के लिए। वैसे अब गुरु जी है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो शुक्राना मेरे मालिक आपने जो इतना मुझे ब्लेस किया, तुलसा जी रूप में मुझे ब्लेस किया, तुलसा जी दिया आपने मुझे, तो शुक्राना है मेरे मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी दिन का एक सत्संग, एक ही सत्संग में मेरे ये तीन सत्संग हो गए राखी वाले दिन के। तो जब गुरुजी का मैं भोग लगा रही थी राखी वाले दिन ही शाम में भी, तो पता नहीं चीज़ें गिर रही थी संगत जी, सुबह भी जवे गिर गए थे, और जब शाम को मैंने खाना दोपहर का बनाया था तो मैंने दाल उबाल के चली गई थी, मैंने कहा फ्राई करूँगी आके गुरुजी का मैं भोग लगाऊँगी, जल्दी तो आ ही जाऊँगी, तो बच्चों ने
ऐसे ही भोग लगा दिया वो उबली हुई, तो मैंने बच्चों को डांटा भी, मैंने कहा ये क्या किया तुमने, ऐसे ही लगा दिया, मैं कह के तो गई थी, बोले हमें तो पता ही नहीं था। तो मैंने क्या, फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। और कोई नहीं, गुरुजी तो हमारे सच्चा भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं, गुरुजी तो इस चीज़ के वो है ही नहीं, बस प्यार से उन्हें कुछ भी खिला दो कुछ भी, वो तो सच्चे भाव के भूखे हैं। संगत जी हमारे गुरु जी तो हैं ही इतने सोने, इतने प्यारे, तो बहुत ही प्यारे गुरु जी हैं। तो फिर मैंने क्या, गुरु जी को ठीक से भोग भी नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो अब मैं शाम में सूखे आलू मैंने बनाए गुरु जी के लिए, दही का मैंने मट्ठा बनाया था, तो मैंने क्या अब मैं पराठी बनाई, मैंने प्लेट लगा के रखी थी, वो गैस भी रखी थी, और वो तब भी वो मेरी नीचे गिर गई। तो मेरा मन बड़ा दुखी सा हुआ, सुबह भी हुआ था जब ऐसा हो गया था, कटोरी स्लिप हो गई थी जब होगी, तो संगत जी मेरा मन बड़ा उदास सा हुआ। गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं रोई, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं आज क्या हो रहा है, क्यों मेरे साथ चीज़ें इतनी स्लिप हो रही हैं, सब गिर गई हैं आपके भोग की, अब क्या हुआ है गुरुजी, मैं आपका संकेत नहीं समझ पा रही, इतना रोई मैं, संगत जी बता नहीं सकती, बस क्या ही बताऊँ मैं आपको, मेरा मन बहुत दुखी था उस दिन, बहुत रोई मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे। मैंने कहा गुरुजी मैं आपका संकेत नहीं समझ पा रही हूँ। तो फिर कुछ देर के बाद वो मैंने खाना हटाया वहाँ से, फिर दोबारा से गुरुजी की पराठी बनाई, फिर मैंने दही का मट्ठा दूसरा बनाया, दूसरा जो था बनाया, फिर मैंने गुरुजी को उसी से ही भोग लगाया, मैंने कहा सब्जी तो सारी गिर गई है। तो फिर मैंने दोबारा से गुरुजी को भोग लगाया, फिर मैं बहुत उदास थी, फिर पूजा पाठ की सब अच्छे से हुआ, तो पता नहीं गुरुजी के अंदर से मेरे अंदर से ही आवाज़ आ रही थी कि कोई तेरा अपना ही भूखा है जो जिसे खाना नहीं खाया है आज त्यौहार के दिन भी। तो संगत जी बस मेरा मन बहुत दुखी था, बस मेरा मन, मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी जो भी मेरा है अपना है, चाहे कोई भी है पराया भी है संगत जी, तो गुरुजी बस उसे खाना खिला दीजिएगा, आप इतनी कृपा करना वो खाना खा ले, कोई भूखा ना रहे संगत जी। गुरुजी तो शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, जो ये चीज़ का एहसास दिलाया कि हाँ कोई है भूखा जिसके नसीब का ये खाना गिरा है, तो शुक्राना आपका जो आपने उसे खाना, मुझे यकीन है आपने खाना खिलाया होगा उसको जो भी है वो, तो शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना हम पे दया दृष्टि रखने का, कृपा दृष्टि बनाए रखने का, शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी, कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखिएगा, फैमिली में सुख शांति ना, बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सारी संगत का हमारा भला करिएगा, सर्वदा भला करिएगा, सर्वदा कल्याण कीजिएगा, हमारी सुमन आंटी जी को जो इतनी प्यारी सेवा करती हैं आपकी, उनको भी खूब खूब ब्लेस कीजिएगा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।